क्लासेस माइक्रो इकोनॉमिक सीरीज आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक करेंगे, यानी आरबीआई हमारी इकोनॉमी में क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, आज वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आमतौर पर कमर्शियल बैंक कैसे ऑपरेट करते हैं हमें काफी आइडिया रहता है, क्योंकि हम लोग काफी कमर्शियल बैंक में जाते हैं, चीजें करते हैं, हमने आपने अपने पेरेंट्स को भी देखा होगा, सो वी हैव एन आइडिया। बट वॉट वी डोंट नो इज कि आरबीआई ऐसे कैसे फंक्शन करता है और इकोनॉमी को कैसे ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है, वो चीज इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएगी। फंक्शन थोड़े ज्यादा है, इसीलिए मैं इस टॉपिक को दो वीडियोज में करूंगी, कुछ एक वीडियो में और कुछ दूसरी वीडियो में। ओके चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला फंक्शन है आरबीआई का, इट इज अ बैंक ऑफ इशू। ध्यान दो एक बार, बैंक ऑफ इशू क्या इशू करता है? करेंसी नोट्स। यानी हमारे देश में करेंसी नोट्स इशू करने का सोल राइट आरबीआई के पास है। ठीक है, एक रुपए का कॉइन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिंट करती है, बाकी सारे नोट आरबीआई छापती है, और इस मनी को हम बोलते हैं लीगल टेंडर। मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का क्या मतलब होता है? लीगल टेंडर का मतलब होता है वो करेंसी या वो करेंसी नोट जिसको गवर्नमेंट की बैकिंग है, जिसको गवर्नमेंट का ठप्पा लगा हुआ है कि भाई ये नोट हमारे देश में चलेगा। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में इसको फर्दर समझने के लिए एक बार डीमोनेटाइजेशन याद करो। डीमोनेटाइजेशन के समय पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा था कि आज के बाद ₹500 एंड ₹1000 का जो नोट है That will cease to be a legal tender. Cease to be a legal tender. मतलब आज से वो legal tender नहीं है, मतलब देश में आप उसको use नहीं कर सकते as currency. RBI जो भी currency note छापता है that is legal tender. मतलब उसको government की backing है, government का ठप्पा है। एक और शब्द है जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है which is unlimited legal tender. इसका क्या मतलब हुआ? कॉइन्स में ना अगर आप पेमेंट करना चाहें, कॉइन्स की बात है स्पेसिफिकली, अगर आप किसी को कॉइन्स में पेमेंट करना चाहें कंप्लीटली, तो आप ऐसा सिर्फ ₹1000 तक कर सकते हैं, उससे ज्यादा का पेमेंट आप कॉइन्स में नहीं कर सकते। तो यानी रिस्ट्रिक्शन है कॉइन्स की पेमेंट करने में, उसको हम कहते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर। मतलब लीगल टेंडर तो है, सरकार की बैकिंग तो है उस करेंसी पे, लेकिन वो पेमेंट करने में एक पर्टिकुलर लिमिट है उसकी, ₹1000 तक की पेमेंट आप कंप्लीटली कॉइन्स में कर सकते हैं। सो इट इज लिमिटेड लीगल टेंडर। लेकिन करेंसी नोट्स पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको किसी को 25 लाख देने हैं, आपको किसी को 50 लाख देने हैं, 1000 देना है, 50,000 देना है, आप करेंसी नोट्स को कंप्लीटली विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन यूज कर सकते हैं। इसीलिए करेंसी नोट्स को पे अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। ओके अभी क्लियर। थर्ड पॉइंट यहां पे मॉनेटरी लाइबिलिटी। हर नोट जो आरबीआई छापता है और जो सर्कुलेशन में आता है वो सरकार का और आरबीआई की मॉनेटरी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी शब्द का क्या मतलब होता है? देखो भाई, जनरली जब हम लाइबिलिटी शब्द यूज करते हैं, आप लोगों ने खैर 11th की अकाउंटेंसी आप पढ़ चुके हैं तो आपको पता है एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या होती है। लाइबिलिटी वो है जो आपको देना पड़ेगा, मतलब जो आपको पेमेंट जिसकी ऑब्लिगेशन आप पर है, आपको वो पेमेंट कभी ना कभी करनी पड़ेगी, दैट्स अ लाइबिलिटी फॉर यू। तो जो नोट है ना जो आरबीआई छापती है वो सरकार की और आरबीआई की मॉनेटरी लाइबिलिटी है। कैसे मॉनेटरी लाइबिलिटी? ₹100 का नोट आरबीआई ने छापा और वो सर्कुलेशन में आ गया। अब अगर ये ₹100 का नोट चले ही ना तो फिर ये तो वेस्ट हो गया। तो ये ₹100 का नोट चलना जरूरी है, ये सरकार की लाइबिलिटी है, ये उनकी जवाबदेही है कि जो नोट को वो लीगल टेंडर कह रहे हैं, जिसको आरबीआई ने छापा है, वो हमारे देश में चले, उसका परचेजिंग पावर, उसे चीजें खरीदी जा सके, ये लाइबिलिटी आरबीआई के हाथ में है। मतलब इट इज द मॉनेटरी लाइबिलिटी ऑफ आरबीआई। यहां तक बात क्लियर है? ओके। और क्योंकि ये मॉनेटरी लाइबिलिटी है इसीलिए देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। आरबीआई क्योंकि नोट छापता है इसीलिए वो डेफिसिट फाइनेंसिंग भी कर सकता है। अब डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है, बहुत ध्यान से सुनो। कभी कभार क्या होता है, सरकार के खर्चे सरकार के रेवेन्यू से कई गुना ज्यादा होते हैं। कभी कभार क्या, इंडिया केस में तो ये मेजरली यही होता है,
वी आर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा नहीं है, इसीलिए हमारे खर्चे, डेवलपिंग इकोनॉमी है ना तो हमको बहुत खर्चे करने पड़ते हैं, सड़कें बनानी है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, स्कूल बनाने हैं, हॉस्पिटल बनाने हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे खर्चा करना है, तो खर्चा बहुत है और रेवेन्यू है कम। रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स होता है टैक्स, तो लोग तो आप जानते हैं कितना टैक्स हमारे यहाँ देते हैं, देते भी हैं तो पूरा देते हैं कि नहीं, तो रेवेन्यू का सोर्स कम है और खर्चा बहुत ज्यादा है, तो डेफिसिट है बीच में। डेफिसिट, when expenditure is more than revenue then that is known as deficit. अब कई कबार क्या होता है, it's a tool जो government use कर सकती है कि अगर अगर सरकार के पास पैसे नहीं है अपना खर्चा निकालने के लिए तो वो RBI को new currency notes छापने के लिए कह सकती है to finance this deficit, मतलब इस deficit का ध्यान करने के लिए, इसको finance करने के लिए RBI can print new currency notes and this is known as deficit financing. समझ में आ गया? मैं इस पॉइंट को वापस से समझा रही हूँ quickly. RBI bank of issue है, यानी sole right of currency issue RBI के पास है, वो unlimited legal tender currency छापता है, यानी currency को backing है government की और आप currency में जितनी मर्जी चाहे उतनी payment कर सकते हैं, कोई restriction नहीं है. Third, हर करेंसी नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मॉनेटरी लाइबिलिटी है, यानी सरकार को की जवाबदेही है, वो पैसा चलना हमारे देश में जरूरी है और क्योंकि RBI बैंक ऑफ इश्यू है इसीलिए कभी कभार गवर्नमेंट की डेफिसिट फाइनेंसिंग भी RBI कर सकता है. डेफिसिट फाइनेंसिंग से हमारा मतलब है जब खर्चा ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो डेफिसिट है सरकार को, कमी पड़ गई है थोड़ी, उस कमी को पूरी करने के लिए RBI नए करेंसी नोट छाप सकता है एंड दैट इज नोन एज डेफिसिट फाइनेंसिंग. सो द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग इज व्हेन RBI प्रिंट्स न्यू करेंसी नोट्स इन ऑर्डर टू फाइनेंस डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज नोन एज डेफिसिट फाइनेंसिंग. अभी क्लियर? यहां तक पॉइंट क्लियर है? एक बात मैं यहां पे कहना चाहूंगी, अगर आप बोर्ड पे ध्यान दें, मैंने सारी चीजें पॉइंट्स में लिखी हैं. इकोनॉमिक्स में ना ये बड़ी चीज होती है कि बच्चों को समझ सब कुछ आ जाता है लेकिन लिखते हुए फंस जाते हैं, तो लिखते हुए जहां तक हो सके इन पॉइंट्स को दिमाग में रखो और अपने आंसर्स भी इन्हीं पॉइंट्स के हिसाब से लिखो. तो यहाँ चार पॉइंट्स बनते हैं, 1, 2, 3 and 4. ओके, चलो अगला फंक्शन करते हैं. RBI इज बैंकर टू द गवर्नमेंट. अब देखो, गवर्नमेंट बाकी कंट्रीज से लोन भी लेती है, आपको पता है वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हमारी कंट्री को लोन देते हैं, ग्रांट्स देते हैं और गवर्नमेंट परचेजेस भी करती है, खर्चा भी करती है, तो कहीं ना कहीं तो कोई अकाउंट होना चाहिए ना गवर्नमेंट का जहां से ये सारी चीजें होंगी. तो गवर्नमेंट का अकाउंट कौन हैंडल करता है? RBI. सो इट ऑपरेट्स मेंटेन्स गवर्नमेंट अकाउंट. गवर्नमेंट का भी अकाउंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो RBI चलाती है, मेंटेन करती है. उसके अलावा RBI तब सरकार के बिहाफ पे, सरकार के लिए फंड्स इकट्ठे करती है, पेमेंट्स, जितनी भी पेमेंट्स करनी है. अब आप पूछेंगे कि फंड्स कैसे इकट्ठे करने हैं और पेमेंट कहाँ करनी है, तो मान लो सरकार कल को नए फर्नीचर खरीदना चाह रही है फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम समवेयर अब्रॉड, कहीं बाहर से अपने गवर्नमेंट ऑफिसेस के लिए फर्नीचर खरीदने जाने वाली है, तो फर्नीचर खरीदेगी तो पेमेंट तो करना पड़ेगा ना, तो ये पेमेंट कौन करेगा? ये पेमेंट, ये मेंटेनेंस सारी जो भी गवर्नमेंट की जितनी भी पेमेंट करनी है वो उनके लिए RBI करेगा. तो यानी RBI फंड्स भी कलेक्ट करेगा और RBI पेमेंट्स भी करेगा ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, थर्ड पॉइंट. तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. RBI इंडिया को रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड फोरम्स में. इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड विच इज IMF एंड वर्ल्ड बैंक, इनमें जब भी इंडिया को रिप्रेजेंट करना होता है तो ये काम RBI ही करता है, क्योंकि RBI काफी हद तक हमारे यहाँ की, काफी हद क्यों, RBI कंप्लीटली हमारी मॉनिटरी सिचुएशन को हैंडल करता है. हमारी कंट्री में मनी सप्लाई कितना रहेगा ये सबको RBI हैंडल करता है और इसीलिए RBI इंडिया को इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में एंड वर्ल्ड बैंक में रिप्रेजेंट करता है. यहां तक क्लियर है बात? एक बार मुझे आप पूछनी है इंपॉर्टेंट कि क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड्स क्या हैं? नहीं जानते? ओके. वर्ल्ड बैंक एक्चुअली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसका काम है
दुनिया की जितनी अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं उन मतलब काफी काम है एक्चुअली वर्ल्ड बैंक के, बट एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है हमारे कॉन्टेक्स्ट में कि दुनिया की जितनी डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं या जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उनको वर्ल्ड बैंक फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, उनको एड करता है और उनको रिकंस्ट्रक्ट करने में, उनको वापस बनाने में सपोर्ट करता है। तो इसीलिए ऐसे फोरम्स में, वर्ल्ड बैंक की मीटिंग्स में इंडिया को हमेशा आरबीआई रिप्रेजेंट करता है, आरबीआई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, अगला पॉइंट है यहाँ पे, आरबीआई मैनेजेस पब्लिक डेट। अब पब्लिक डेट क्या होता है इसको बहुत आराम से ध्यान से सुनो। कई बार सरकार गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू बोरो फ्रॉम पीपल, पब्लिक पीपल लाइक यू एंड मी, हमसे सरकार बोरो करना चाहती है और ऐसा करने के लिए वो ट्रेजरी बिल्स इशू करती है। मतलब पेपर में निकलता है कि सरकार अपना एक ट्रेजरी बिल इशू कर रही है और जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसे है, मान लो मेरे पास 50,000 रुपीज एक्स्ट्रा है और मैं उन पैसों को इन्वेस्ट करना चाहती हूँ कहीं पर, तो मैं सरकार की ट्रेजरी बिल खरीद लूंगी। सरकार को चाहिए पैसे और मुझे मिल जाएगी ट्रेजरी बिल। साल भर के बाद मुझे वो ट्रेजरी बिल मेरे प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट के साथ वापस मिल जाएगा। मान लो 50,000 पे 10,000 का मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो साल भर के बाद मुझे 50,000 भी वापस मिलेंगे और 10,000 का मुझे सरकार के पास से इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। तो मेरा तो ये फायदा ही फायदा है क्योंकि मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया था और मेरे को उससे बहुत सारा इंटरेस्ट मिल गया। गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत थी तो गवर्नमेंट ने मुझसे बोरो कर लिया। This is known as public debt. When government borrows from the public, it is known as public debt. तो ये सारे काम RBI government के लिए करती है। मैं वापस से ये point explain कर रही हूँ। सरकार का जो भी कोई account है, जहाँ पे वो payment करता है, funds collect करता है, उसे operate, maintain RBI करती है। Secondly, वो India को represent करती है IMF and World Bank and other economic forums में। और तीसरा and very important, पब्लिक डेट, जब भी सरकार जनरल पब्लिक से लोन लेती है तो उसकी कंप्लीट मैनेजमेंट आरबीआई करती है। क्लियर है, यहां तक क्लियर है? ओके गुड, आगे चलते हैं। तीसरा फंक्शन, इट इज कस्टोडियन ऑफ कंट्रीज फॉरेक्स विच इज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। आप जानते हैं कि हर कंट्री फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अपने पास रखती है। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या होती है? फॉरेन एक्सचेंज इज नथिंग बट दूसरी कंट्री की करेंसी। जैसे हमारे लिए यूएस डॉलर फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, जापानीज येन फॉरेन एक्सचेंज, किसी भी दूसरी कंट्री की करेंसी हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज है। और हमारा आरबीआई क्या करता है, इन फॉरेन एक्सचेंज की रिजर्व्स अपने पास रखता है और उन रिजर्व्स को मेंटेन करता है, उनका ध्यान करता है। और इसके अलावा जो गोल्ड, हर कंट्री को अपने पास कुछ गोल्ड रिजर्व्स भी रखनी पड़ती है, मतलब गोल्ड रिजर्व्स मतलब गोल्ड को रिजर्व में रखना पड़ता है। गोल्ड रिजर्व्स का भी कस्टोडियन आरबीआई ही है और आरबीआई ही है जो फॉरेन एक्सचेंज की स्टेबिलिटी पे काम करता है। अब मैंने तीन बातें कही, मैंने कहा कि आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का कस्टोडियन है, गोल्ड रिजर्व्स का कस्टोडियन है मतलब उसके पास है, वो उसकी देखरेख करता है, और तीसरा स्टेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी आरबीआई देखता है। ये जो तीसरा पॉइंट है ये हम डिटेल में तब डिस्कस करेंगे जब हम फॉरेन एक्सचेंज का चैप्टर करेंगे। फिलहाल के लिए अभी सिर्फ इतना समझ लो कि कस्टोडियन ऑफ कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज में ये तीनों चीजें आती हैं। आगे क्या, अब इसके बाद दो और फंक्शन रह गए हैं। दो फंक्शन है, एक है बैंकर्स बैंक और एक है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी। ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों मैं अगली वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगी। ओके, ऑलराइट, थैंक यू।